हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टोपर स्ट्रेंथ चैनल में। इस वीडियो में आज हम करेंगे ग्राम सचिव पटवारी के लिए मॉक टेस्ट नंबर 10। ठीक है, 90 क्वेश्चंस ही जो है हम इसमें करेंगे। इसके साथ ही अगर आप पुलिस पटवारी या ग्राम सचिव के लिए मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कैसी हो गई है, तो आप जो है परीक्षा आपसे मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। नए पैटर्न पर ही जो है वहाँ पर मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, तो अगर आप खरीदना चाहें तो खरीदने के लिए आप हमारा टोपर्स 40 कोड यूज़ कर सकते हैं, जिसपे जो है आपको 40% का जो है ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मॉक टेस्ट नंबर 10। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत शासक मोहन सिंह मंढार की रियासत हरियाणा में कहाँ पर थी? कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल या फिर अंबाला? तो मोहन सिंह मंढार किस रियासत से बिलोंग करते थे, इनकी जो रियासत थी वो कहां पर थी? तो राइट आंसर हो जाएगा कैथल में, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? 1748-49 में, 1740-41 में, 1756-57 में या 1726-27 में? सॉरी, 25-26 में। तो राइट आंसर हो जाएगा, मराठों ने जो है हरियाणा पर अधिकार किया था 1756-57 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंप दिए थे? जादिल खां, जैन खां या जलाल खां, या इनमें से कोई नहीं? तो अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए प्रदेश किसको सौंपे थे? जैन खां को सौंपे थे। तो बी ऑप्शन जो है यहां पर सही हो जाएगा, जैन खां। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, समस्त हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ था? 1820-21 में, 1857-58 में, 1840-41 में या 1809-10 में? तो हरियाणा पर अंग्रेजों का जो पूरी तरीके से अधिकार हो गया था वो हो गया था 1809-10 में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहां पे सही हो जाएगा, 1809-10। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य पर चौहान शासक अरणो राजा ने कब आक्रमण किया था? 1121 ईस्वी में, 1131 में, 1108 में या 1110 ईस्वी में? तो चौहान शासक अरणो राजा ने हरियाणा पर आक्रमण किया था 1131 में। ठीक है, बी ऑप्शन, 1131 ईस्वी में। ठीक है, अगला है, थानेसर पर महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? 1014 ईस्वी, 1030, 1035 या 1005? तो महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी में। ठीक है, 1014 जो है यहां पर सही हो जाएगा। अगला है, किस शताब्दी में हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था? 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 10वीं शताब्दी? तो राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा पर चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था 12वीं शताब्दी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में, 1390 ईस्वी, 1395 या 1386? तो देखिए, तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है, महाराजा हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी हरियाणा के किस नगर को बनाया था? पटौदी, यमुनानगर, जींद या थानेश्वर? तो राइट आंसर, थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के किस स्थान पर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था? कालेश्वर तीर्थ, ब्रह्म सरोवर, ज्योतिसर सरोवर या मार्कंडेय तीर्थ? तो गीता का उपदेश दिया था श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को, ज्योतिसर सरोवर। ठीक है,
महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास द्वारा हरियाणा के किस नगर में की गई थी? कैथल, सोनीपत, जींद या कुरुक्षेत्र? तो महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने कुरुक्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मंदिर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है? लक्ष्मी नारायण मंदिर, सर्वेश्वर महादेव मंदिर, नारायण मंदिर या उपरोक्त सभी? तो सारे के सारे मंदिर ही कहां पर है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य में बिरला मंदिर कहां पर है? पानीपत, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र या पंचकुला? बिरला मंदिर कहां पर है हरियाणा में? कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ की नकद राशि प्रदान करने की घोषणा की गई है? हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओलंपिक खेलों में 6 करोड़ की जो राशि प्रदान करेगा वो राज्य है हरियाणा। तो यहां से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक को कितनी राशि प्रदान करने की घोषणा की है? तो 6 करोड़। तो ये चीज आप याद रखिए, 6 करोड़ की घोषणा की है। ठीक है, अगला देखिए, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सरकारी फाइलों को शीघ्रता से निपटान हेतु रन थ्रू फाइल प्रणाली की शुरुआत की गई है, RTF रन थ्रू प्रणाली, किसने शुरुआत की है? हरियाणा ने की है। तो ये जिस चीज की शुरुआत की है फाइलों को निपटाने के लिए, वो चीज आपको याद रखनी है, रन थ्रू फाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, हरियाणा पुलिस द्वारा छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर को अपनाया गया? ट्रैक या सोल्यूशनेट, फिलीडेट या मिलिंडा? तो किस चीज को अपनाया गया है, मतलब छेड़छाड़ मुक्त आपराधिक जांच सुनिश्चित करने के लिए जो है ट्रैकिया को जो है अपनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। अगला है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य का अत्याधुनिक फार्मास्यूटिकल पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, करनाल, गुरुग्राम, हिसार या भिवाणी? तो फार्मास्यूटिकल पार्क कहां पर प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा करनाल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा शिक्षा सेतु नामक छात्र हित में एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश? तो हरियाणा में जो थी लॉन्च की गई है शिक्षा सेतु, छात्र हित में एक मोबाइल एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर को स्थापित किया जा रहा है, अमृतसर, पंजाब, गुरुग्राम, हरियाणा, शिमला, हिमाचल प्रदेश या रांची, झारखंड? तो ये क्वेश्चन जो था अभी PGI रोहतक का जो पेपर हुआ था 4 से 5 दिन पहले, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, राष्ट्रीय ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर जो है कहाँ पर है? तो ये है गुरुग्राम, हरियाणा में। ठीक है, देश का पहला राष्ट्रीय ऑटिज्म इंटरवेंशन रिसर्च सेंटर है ये, और कहाँ पर है? गुरुग्राम में, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट में है ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुग्राम, हरियाणा। अगला है, वह राज्य सरकार जिसके द्वारा राज्य में वृक्षारोपण हेतु पौधागिरी अभियान का आयोजन किया गया, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या बिहार? तो पौधागिरी अभियान का आयोजन जो था किसने किया था? हरियाणा ने किया था। इसकी शुरुआत कब की थी ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो 17 जुलाई 2018 को जो था इसको लॉन्च किया गया था, 2018 में। इसमें क्या था, जो सरकारी और प्राइवेट स्कूल थे उनके जो सिक्स क्लास से लेकर 12th क्लास तक के बच्चों को जो है 3 महीने तक जो था पौधारोपण करना था, जो मानसून के 3 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो उससे रिलेटेड थी ये। ठीक है, पौधागिरी अभियान। वह राज्य सरकार जिसके द्वारा सामाजिक मानकों के आधार पर पंचायतों के लिए 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना शुरू की गई, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो राइट आंसर वही, हरियाणा सरकार। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सामाजिक मानक, कौन से 7 सामाजिक मानक हैं? लिंग अनुपात, दूसरा शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, शासन और सामाजिक भागीदारी के आधार पर जो है पंचायतों को स्टार रैंकिंग देने के लिए जो है 7 सितारा ग्राम पंचायत इंद्रधनुष योजना जो थी शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना के तहत जो है राज्य के 1120 गांव को जो थी स्टार रैंकिंग प्रदान की गई थी, जिसमें
अम्बाड़ा को जो है सबसे ऊपर रखा गया था, ठीक है, और गुरुग्राम को सेकंड और करनाल को तीसरे स्थान पर रखा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है, गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना कितने मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना है? 2800 मेगावाट, 2100, 2500 या 2600? तो गोरखपुर अणु विद्युत परियोजना कितने मेगावाट का है? 2800 मेगावाट का है, ठीक है। वेट एक मिनट, तो ये सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है सी इन इज एन, सी इन के बारे में बताना है कि क्या है, क्या ये एक इनपुट फंक्शन है, आउटपुट फंक्शन है, वेरिएबल है या डाटा टाइप है। तो सी इन हमने पढ़ा है, सी प्लस प्लस जो मैंने करवाई है उसमें मैंने बताया आपको कि सी इन और सी आउट क्या होते हैं। सी इन होता है इनपुट फंक्शन, और इसी तरीके से अगर सी आउट पूछा जाए जो कि हम प्रोग्राम में यूज करते हैं वो होता है आउटपुट फंक्शन, ठीक है। अगला है इंट, आई एन टी इंट, ये क्या है, क्या ये फंक्शन है, कॉन्स्टेंट है, ऑपरेटर है या डाटा टाइप है। तो इंट किसके लिए यूज किया जाता है, इंटीजर के लिए, ठीक है, इंटीजर, फ्लोट, रियल, ये सारे क्या हैं, डाटा टाइप हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डाटा टाइप, ठीक है। अगला है आईओ स्ट्रीम डॉट एच, ये क्या है, क्या ये डाटा फाइल है या लिंकर है, हेडर फाइल है, प्रोग्राम ब्लॉक है। तो आईओ स्ट्रीम डॉट एच क्या है, आईओ स्ट्रीम डॉट एच एक हेडर फाइल है, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन इज ए सर्कुलर डाटा स्ट्रक्चर, इनमें से सर्कुलर डाटा स्ट्रक्चर बताना हमें, स्टैक, सर्कुलर क्यू, लिंक लिस्ट या लिस्ट। अब स्टैक क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लिंक लिस्ट भी क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, बचा क्या, सर्कुलर क्यू। तो सर्कुलर क्यू क्या है, एक सर्कुलर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, अगला देखिए विच वन इज ए सर्चिंग टेक्निक, इनमें से जो सर्चिंग टेक्निक है, खोजने की विधि है, कौन सी है, पॉप, पुश, बाइनरी या ट्रेवर्सल। देखिए पॉप और पुश ये क्या है, देखिए पॉप होता है यानी कि डिलीशन, जैसे स्टैक में से हमें कुछ डिलीट करना है तो उसके लिए एक ऑपरेशन होता है पॉप, तो पॉप का मतलब डिलीट, पुश यानी कि कुछ इंसर्ट अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है। तो यहां पे जो सर्चिंग टेक्निक है वो है बाइनरी, बाइनरी सर्च हो गया या लीनियर सर्च हो गया, ये सर्चिंग की टेक्निक होती है मेन। तो किया हुआ है सब कुछ हमने, तो बाइनरी सर्च और लीनियर सर्च जो है सर्चिंग टेक्निक होती है। चलिए ये डाटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था। अगला है ए बुलियन फंक्शन में भी ट्रांसफॉर्म इनटू लॉजिक डायग्राम, लॉजिक ग्राफ, मैप या मैट्रिक्स। तो जो कोई बुलियन फंक्शन अगर आपको दिया गया है तो आप उसका क्या जो भी बनाते हैं डायग्राम, वेन डायग्राम जो होता है उसी को क्या बोला जाता है, लॉजिकल डायग्राम जो है बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए विच वन इज नॉट ए बुलियन ऑपरेटर, इसमें जो बुलियन ऑपरेटर नहीं है वो बताना है हमें, एंड, नॉट और इफ। तो देखिए एंड भी बुलियन ऑपरेटर है, नॉट भी और भी, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इफ, इफ क्या है, एक बुलियन ऑपरेटर नहीं है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टोपोलॉजी, इनमें से जो टोपोलॉजी नहीं है, तो टोपोलॉजी हमने पांच तरीके की पढ़ी थी, ठीक है, स्टार टोपोलॉजी होता है, बस टोपोलॉजी होता है, रिंग होता है, ट्री होता है और मैश होता है, ये पांच टोपोलॉजी जो है हमने पढ़ी हैं। तो हब जो है यहाँ पे ए टोपोलॉजी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड प्रोटोकॉल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से जो प्रोटोकॉल है वो बताना है हमें, TCP/IP, NIC, हब या WWW। अब वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या ये कोई प्रोटोकॉल है, नहीं, ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं, हब क्या है, हब भी एक डिवाइस है कंप्यूटर की, ना कि प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो है TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ये क्या है, एक प्रोटोकॉल है नेटवर्क। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से कंप्यूटर नेटवर्क का जो टाइप है, लैन, स्विच, नोड या UTP। तो देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, मैन हो गया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, पैन हो गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे लैन जो है सही हो जाएगा।
अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इनमें से जो डिवाइस है कंप्यूटर नेटवर्क की। अब देखिए, सबसे पहले SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये तो दोनों प्रोटोकॉल हो गए, टोपोलॉजी अलग हो गया। अब बचा यहाँ पे हब, तो ये होता है हमारा डिवाइस। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क की और कौन कौन सी डिवाइस होती है, जैसे राउटर होता है, ये भी एक कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइस है, ब्रिज हो गया, डिवाइस हो गया, ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, स्विच हो गया, बी राउटर हो गया, रिपीटर हो गया, तो ये होती हैं डिवाइस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो यहाँ पे हब जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है स्टैक क्या है, क्या एक वेरिएबल है, ऑपरेटर है, कॉन्स्टेंट है या डाटा स्ट्रक्चर है। स्टैक क्या है, एक डाटा स्ट्रक्चर है। कैसा डाटा स्ट्रक्चर है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, ओके। आगे है एरे क्या है, डाटा टाइप, हेडर फाइल, फंक्शन या मेमोरी स्टोरेज। अब देखिए, हेडर फाइल तो एरे होता नहीं है, ठीक है, फंक्शन अलग चीज होती है, मेमोरी स्टोरेज भी नहीं होता है, तो एरे क्या है, एक डाटा टाइप है, ठीक है। जैसे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होते हैं, डिराइव डाटा टाइप होते हैं, बिल्ट इन डाटा टाइप होते हैं, इसी में अगर हम बात करें तो डिराइव डाटा टाइप होता है एरे, जिसमें एरे आता है, फंक्शन आते हैं, ये दोनों ही क्या है, डिराइव डाटा टाइप है। तो डाटा टाइप जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, एरे क्या है, एक डाटा टाइप है। नेक्स्ट है, विच वन इज क्रिएटेड फर्स्ट, ओके क्या है, इनमें से कौन पहले क्रिएट होता है, क्लास, मेथड, डाटा या ऑब्जेक्ट। तो इनमें सबसे पहले किसको हमें क्रिएट करना होता है, तो सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, डाटा क्रिएट होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यूज, इनमें से कौन है जो सेट ऑफ वैल्यूज के बीच रिलेशनशिप को दर्शाता है, रो, टेबल, फील्ड या कॉलम। तो कौन जो है शो करता है रिलेशनशिप, रो, ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज के बीच। अगला है, इन बुलियन अलजेब्रा द ओर ऑपरेशन इज परफॉर्म बाय विच प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटेड या ऑल ऑफ दीज। बुलियन अलजेब्रा में जो है ओर ऑपरेशन किसके द्वारा दर्शा सकते हैं, तीनों ही लॉ जो होते हैं हमारे, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और कम्यूटेटिव, तीनों से ही शो कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, फर्स्ट है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, इनमें से बताना है कि प्राकृतिक संसाधन जो है कौन से होते हैं, मृदा, खनिज, वन या उपयुक्त सभी। तो देखिए, प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, कौन कौन से, वायु, वर्षा, झील, नदी, कुएं द्वारा जो मृदा होती है, भूमि, वन, खनिज, जीवाश्म ईंधन, ये सब किस में आते हैं, प्राकृतिक संसाधन में, तो डी जो है सही हो जाएगा। अगला है, रूस की क्रांति कब हुई थी, 1919, 1917, 1921 या 1932। तो रूस की क्रांति हुई थी 1917 में, 8 मार्च 1917 में जो थी रूस की क्रांति हुई थी, ठीक है। जो रूस की क्रांति थी ये दो चरणों में हुई थी, एक मार्च और दूसरा अक्टूबर, जिसे अक्टूबर क्रांति अलग से पूछा जाता है, अक्टूबर क्रांति कब हुई थी तो वो अलग है, ठीक है। तो ये रूस की क्रांति 8 मार्च 1917 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, चुनाव प्रचार मतदान के कितने घंटे पहले बंद कर दिया जाता है, 24, 30, 36 या 48। तो देखिए, निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार जो मतदान है वो 48 घंटे पहले जो है उस चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है, ठीक है। क्यों रोका जाता है, ताकि चुनाव प्रक्रिया को जो है किसी भी तरीके से प्रभावित ना किया जा सके, और लास्ट उस पर जो है मिनट पे कोई पार्टियां जो है मतदाता को लालच देकर वोटिंग ना करवा सके, इसलिए जो है ये कदम उठाया जाता है, ठीक है। आगे है, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, भारत, नेपाल, चीन या श्रीलंका, साक्षरता दर। तो देखिए, अगर हम बात करें भारत की साक्षरता दर की, तो कितनी है, 74.04 अकॉर्डिंग टू 2011 की जो जनगणना हुई उसके अनुसार, ठीक है। नेपाल में अगर हम साक्षरता दर की बात करें, तो नेपाल में जो साक्षरता दर है वो 2015 में 66% हो गई थी, ठीक है, तो इसकी बहुत कम है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका की जो साक्षरता दर है वो है 92%। फिर बात आती है चीन की, तो चीन एक टाइम था जब चीन बना, उस वक्त जो थे चीन में 80% लोग जो थे साक्षर नहीं थे, ठीक है। लेकिन अगर अब की बात करें
तो चीन की जो है 93.6% जो आबादी है वो क्या है, पढ़ी लिखी है। ठीक है, तो यहां पर चीन जो है सही हो जाएगा, साक्षरता दर सबसे अधिक। ओके नेक्स्ट देखिए, साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? डॉक्टर जेम्स हानसेन, पीटर न्यूमैन, रेचल कार्सन, एल्डो लियोपोल्ड। साइलेंट स्प्रिंग ये बुक है जो कि रिलेटेड है इन्वायरमेंटल साइंस से, यानी कि उस पर बेस्ड है ये इन्वायरमेंटल साइंस पे, और ये बुक पब्लिश हुई थी 27 सितंबर 1962 को, और इसके लेखक हैं रेचल कार्सन। ठीक है, अगला है विकास का वास्तविक अर्थ है जीवन प्रत्याशा, साक्षरता दर, आय या उपयुक्त सभी। तो विकास का वास्तविक अर्थ है उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, खरीफ ऋतु का आगमन कब होता है? मानसून की वापसी के साथ, मकर संक्रांत के बाद, मानसून के आगमन के साथ, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए खरीफ फसल की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत हो जाती है मानसून ऋतु के आगमन से ही जो है शुरू हो जाती है। ठीक है, इन फसलों को जो है पकने में कम समय लगता है, तो ये फसलें जो हैं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। और प्रमुख फसलें की अगर बात करें खरीफ में तो कौन सी होती हैं? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, पटसन और मूंगफली। तो मानसून के आगमन के साथ ही खरीफ ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, इसी के अलावा अगर बात करेंगे रबी की, तो मानसून ऋतु के बाद जब शरद ऋतु शुरू होती है तब जो है रबी की फसल का मतलब आगमन जो है होता है। ठीक है, और रबी की फसलों को पकने में क्या लगता है? ज़्यादा टाइम लगता है। मार्च अप्रैल में रबी की फसलें काटी जाती है, और मुख्य फसलों में अगर आप बात करेंगे तो गेहूं, जौ, चना, सरसों, अलसी। ठीक है, इनमें ये सारी जो है रबी की फसलें हैं। ठीक, चलिए अगला देखिए, एफसीआई द्वारा किसानों के अनाजों को खरीदा जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, थोक मूल्य पर, स्थानीय मूल्य, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। एफसीआई क्या है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। एक संवैधानिक निकाय है जिसे भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो था 1964 और 65 में जो था स्थापित किया गया था, मतलब भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में जो था स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके में क्या था कि किसानों के अनाज को जो था किस मूल्य पर खरीदा जा सकता था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि MSP, न्यूनतम समर्थ मूल्य पर खरीदने की जो है सलाह देता है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कब की गई थी? 52वां, 61वां, 86वां, 92वां। तो कौन से संविधान के तहत जो थी ये की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो थी मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, एक्ट कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के तहत। ओके, और 1989 में जब 10वें आम चुनाव हुए तो बहुत सारे मतलब जो 18 से 21 वर्ष से आयु के जो भी मतदाता थे उन्होंने पहली बार जो था मतदान में हिस्सा लिया था। ठीक है, 61वां। अगला है, इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है भाखड़ा नांगल बांध से, हरीके बांध से, टिहरी बांध से या मध्यम सिल्ली बांध से? इंदिरा गांधी नहर को अगर हम बात करें तो राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जीवन रेखा माना जाता है, और ये पंजाब के हरीके बैराज से निकाली गई है, यानी कि हरीके बांध जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक किसे माना जाता है? तो कंवर सेन को जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जनक जो है माना जाता है, तो हरीके बांध से ये निकाली गई थी। चलिए अगला देखते हैं, टेलीफोन का आविष्कार किया था सैमुअल मॉर्स, ग्राहम बेल, मार्कोनी या जेएल बियर्ड ने? टेलीफोन का आविष्कार 10 मार्च 1876 को किसने किया था? अमेरिका के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? 10, 18, 33 या 50? तो कितना है? 33%। 2008 में जो मनमोहन सिंह सरकार थी उन्होंने लोकसभा और विधानसभाओं में 33% जो था महिला आरक्षण से जुड़ा 108वां संविधान संशोधन विधेयक जो था राज्यसभा में पेश किया था। ठीक है, उचित संबंध जोड़िए इनमें से बताना है। अभी सबसे पहले है द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914-18 में हुआ था पहला विश्व युद्ध।
ठीक है। दूसरा कब हुआ था, 1939 और 45 में। मुसोलिनी क्या था, एक फासिस्ट, फासीवाद था, ठीक है। जीएसटी कब लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017 को। वॉशिंगटन कहाँ पर है, अमेरिका में है। अगला है पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मीन्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केरल के कासरगोड में काजू की फसल पर कीटनाशक का प्रयोग किया गया था, एंड्रोसल्फान, डोडिन 65, साइपरमेथिन या डेमोक्रान। तो देखिए, केरल के कासरगोड में जिस कीटनाशक का यूज़ किया गया काजू की फसल में, उसकी वजह से जो थी बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई थी, तो कौन सा कीटनाशक था, एंड्रोसल्फान, ठीक है। अगला देखिए, किस प्रकार की भूमि पर उद्योग लगाना ठीक होता है, वन भूमि, उपवन भूमि, कृषि भूमि या बंजर भूमि। तो उद्योग लगाना है तो कैसी भूमि पर, बंजर भूमि पर, ठीक है। लोकतंत्र में जन सहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम कौन सा है, मतदान, आंदोलन, योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण या संचार माध्यम। तो सबसे सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम कौन सा है लोकतंत्र में जन सहभागिता का, मतदान, ठीक है। निर्जीव भौतिक संसाधन, निर्जीव भौतिक संसाधन बताना है हमें, कौन सा हो जाएगा, भूमि, वायु, जल, धात्विक खनिज, निर्जीव भौतिक संसाधन है, जो इसका उदाहरण नहीं है वो है मछली, ये इसका साधन नहीं है, ठीक है। अगला है, अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जैसा मैंने आपको बताया 1917 की रूसी क्रांति दो चरणों में हुई थी, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति, ठीक है। फरवरी क्रांति से क्या हुआ था, रूस में जार का जो शासन था उसका अंत हुआ था, और अक्टूबर क्रांति में जो था बोल्शेविक के नेतृत्व में पहले मार्क्सवादी राज्य की जो थी स्थापना हुई थी, ठीक है, और जिसका नेतृत्व किसने किया था, व्लादिमीर लेनिन ने किया था, तो लेनिन जो है यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है पूछा है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या जल ऊर्जा। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है पूछा है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा है, कोयला नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्याज की दर किस खाते में अधिक होती है, बचत खाता में, स्थायी जमा खाता, चालू खाते या इनमें से कोई नहीं। तो फिक्स डिपॉजिट में होती है ब्याज की दर ज़्यादा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है, द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 से लेकर 1945 तक चला था। BMI का पूरा नाम क्या होता है, बॉडी मेजरमेंट, बॉडी मास इंडिकेटर, इंडेक्स, बॉडी मेजरमेंट इंडिकेटर या बॉडी मास इंडेक्स। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। संविधान क्या है, सरकार का गठन, नियम एवं कानून का संकलित प्रलेख, देश का शासन या मौलिक अधिकार। क्या है संविधान, तो संविधान क्या है, नियम एवं कानून का संकलित प्रलेख, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए चित्र में कौन सा चित्र से टुकड़ों को बनाया जा सकता है, तो यहां से कौन सी इमेज जो है बन सकती है वो हमें बताना है। तो देखिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहां पे कौन सी जो है तस्वीर यहां से बन सकती है, इसमें आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इमेजेस जो है बन रही हैं, तो यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो ये तो वैसे ही नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये हो रहा है 1, 2, 3, यहाँ पे 4 ही इमेज जो है बन रही हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन सी देखते हैं, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो एक इमेज ये बन रही है, 2, इधर ये 3 और ये छोटे वाली 4 और ये पूरी 5, 5 इमेज जो हैं इसमें बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये वाली बन रही है, दूसरा ये बन रही है, 2, ये 3 और ये 4, सिर्फ 4 ही जो है इसमें इमेज बन रही है, तो बननी कितनी चाहिए 5, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
ओके, इसमें बताने कौन सी आकृति से ही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो दर्पण मिरर इमेज क्या होती है, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, यानी कि टू यहाँ पे दिखेगा और ए यहाँ पे दिखेगा। अब देखते हैं कौन सा जो है इसमें से सही होगा, जिसमें ए यहीं पर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीन में से कोई एक आंसर होगा। नहीं, इसमें से भी अगर आप देखेंगे तो सी वैसे कट हो जाएगा क्योंकि इसमें एस दिखाया हुआ है और यहाँ पे वन, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इन दो में, तो यहाँ पे एक में टू दिखाया गया है, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे एस दिखाया गया है तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे अगर देखते हैं तो टू वन क्यू थ्री फोर देन एस एन ई, तो ये बिल्कुल सही है, मिरर इमेज जो है ये हो जाएगी। ठीक है, अगला है प्रियंका पुष्पा से लंबी है, प्रियंका जो है पुष्पा से लंबी है, ठीक है, लेकिन मनीषा के जितनी लंबी नहीं है, मीन्स मनीषा जो है प्रियंका से भी लंबी है। रामा नमिता से लंबी है लेकिन पुष्पा के जितना लंबी नहीं है। अब रामा जो है वो नमिता से तो लंबी है लेकिन पुष्पा के जितनी नहीं है, तो यानी कि रामा और नमिता कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इन सब में सबसे लंबा कौन सा हो जाएगा, मनीषा, ठीक है, सॉरी मनीष, मनीष था, मनीष जो है सबसे लंबी, लंबा जो है हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि कैट तथा बोट को क्रमशः ये लिखा जाता है तो उसी समान भाषा में एग को किस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखते हैं इसको करते, देखिए कैट और कैट को लिखा जाता है एक्स जेड जी, एक्स जेड जी लिखा जाता है। तो अगर हम देखें तो सी के अपोजिट क्या आता है, एक्स आता है, ए के अपोजिट जेड आता है और टी के अपोजिट जी आता है। ठीक है, सेम बी के अपोजिट वाई, ओ के अपोजिट एल, ए के अपोजिट जे, सॉरी जी, और टी के अपोजिट जी, ए के अपोजिट जेड। ठीक है, तो अपोजिट लिखा गया तो उसी समान भाषा में एग को बताना है कि किस तरीके से लिखा जाएगा। अब ई के अपोजिट क्या आएगा, ई के अपोजिट वी आ जाएगा। ठीक है, देन जी है, जी के अपोजिट टी आएगा। ठीक, तो वी टी टी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में विषम का चयन कीजिए, लोहे की इस्त्री, मिक्सी, कंप्यूटर, गैस स्टोव, इनमें से जो अलग है वो बताना है। मिक्सी हो, लोहे की इस्त्री हो, कंप्यूटर हो, किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन गैस स्टोव इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता, तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, जो अलग है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मैं इतनी मीठी चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष है, अन्विति का, पदक्रम का, क्रिया का या सर्वनाम का, क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या है इसमें, अन्विति का, अनविति हो जाएगा। अब अनविति क्या होता है, अनविति दोष क्या होता है, देखिए जब वाक्य के संज्ञा पद के जो है लिंग वचन पुरुष कारक के अनुसार किसी दूसरे पद में समान परिवर्तन हो जाए उसे अनविति कहते हैं। अब अनविति भी जो है अलग अलग टाइप का जो होता है, जैसे इसमें लिखा है मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल बंदा बोलेगा इसको तो कैसे बोलेगा, मैं इतनी मीठी चाय जो है नहीं पी सकता, तो कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बोलना क्या कहलाता है, अनविति दोष कहलाता है। जैसे मुझसे हंसा गया, ये क्या है, एक भावी प्रयोग है, यानी कि अनविति में ये क्या है, ये भावी प्रयोग है, तुम सबसे हंसा गया या उन सबसे हंसा गया। ठीक है, तो ये अनविति दोष होता है, तो यहाँ पर अनविति का दोष है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि कौन सा शब्द है जो कि तद्भव नहीं है, जो तद्भव नहीं है, यानी कि हिंदी का वर्ड नहीं है, घोड़ा, ऊंट, चोंच, ये तीनों ही तद्भव हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो तद्भव नहीं है वो है गोम्य। ठीक, चलिए आगे देखिए, मैंने यह कुर्सी 100 रुपये की खरीदी है, इस वाक्य में दोष है, विशेषण का, क्रिया का, परसर्ग का या क्रिया विशेषण का, तो इसमें कौन सा दोष हो जाएगा, इसमें दोष हो जाएगा परसर्ग का। ठीक है, परसर्ग जो होते हैं वो शब्दों के साथ जुड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य जो है बनाते हैं, जैसे कि की हो गया, ने हो गया, से हो गया, के लिए हो गया। ठीक है, जैसे मैंने कलम से लिखा। ठीक है, अगर मैं कहती सिर्फ मैंने कलम लिखा
तो सही सेंटेंस नहीं बनता, अर्थपूर्ण वाक्य नहीं बनता। अगर मैं बोलती हूँ मैंने कलम से लिखा, तो ये अर्थपूर्ण वाक्य बन रहा है। तो ये क्या है? परसर्ग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने यह कुर्सी 100 रुपये खरीदी है, कोई वाक्य ही नहीं बनता, लेकिन मैंने लिखा मैंने 100 रुपये की खरीदी है, तो इसमें क्या हो गया? परसर्ग हो गया, ठीक है। तो परसर्ग उन्हें कहते हैं जो शब्दों के साथ जुड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन बताना, इनमें से कौन सा है? स, छ, ल, ह, स्पर्श व्यंजन कौन सा हो जाएगा इसमें? स्पर्श व्यंजन, तो स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजनों को जो है 5 वर्गों में बांटा गया है, 25 वर्ण आते हैं इसमें, कैसे मैं तक, ठीक है। वही कचट तप, जो वर्ग मैंने आपको पहले भी बताए, कचट तप यानी कि कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, ठीक है। तो अब इनमें से जो इनमें आता है वो कौन सा है? कै खै गै घै ग चै छ ज झ छ, छ आता है यानी कि चै वर्ग में आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे आप यह रे ले वे शे से से है, ये इन में नहीं आता वर्ग में, ठीक है। तो ये जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है, छह जो है यहाँ पे स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, जो कि इन वर्ग में आएगा वो हमारे स्पर्श व्यंजन होंगे, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 5 समूहों में बांटा गया है, और इसमें टोटल 25 वर्ण जो है आते हैं, तो छह हो जाएगा। आगे देखिए, भई गति सांप छछुंदर केरी का अर्थ क्या है? शिकार की स्थिति, आक्रामक स्थिति, हास्यपद स्थिति, या फिर असमंजस की स्थिति। भई गति सांप छछुंदर केरी, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? असमंजस की स्थिति, ठीक है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाव वाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मनस्वी, मानवता, मनुष्यत्व या आदमियत। तो मानव शब्द के लिए भाववाचक संज्ञा कौन सी हो जाएगी? मानवता, ठीक है। अगला देखिए, अक्षय त्रय और अज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती, क्योंकि ये क्या है? क्या ये संयुक्त व्यंजन है? इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में होता है, ये व्यंजन अर्थ सवर मानेंगे या पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है? तो अक्षय त्रय और अज्ञ क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। जैसे अक्षय जो है दो उनसे मिलकर बनता है, त्रय तैरय हो गया, ठीक है, इसी तरीके से आज्ञा बनता है, तो ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। अगला देखिए, सम शम शब्द का सही अर्थ बताना है, ठीक है। इसमें सम का अलग अर्थ होता है और शम का अलग होता है, तो सही युग्म बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही हो जाएगा। देखिए सम क्या होता है? समान होता है, समान होता है, और शम क्या होता है? मोक्ष होता है, तो समान और मोक्ष जो है यहां पर सही हो जाएंगे, ठीक है। अगला है सृष्टि का विलोम, सृष्टि का विलोम बताना है। अब इसमें हमें विनाश, विध्वंस, प्रलय या सर्जन क्या हो जाएगा? सृष्टि क्या हो जाएगा? सृष्टि का विलोम, प्रलय, ठीक है। फिर है अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अनुजमा एषण, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इंग्लिश क्वेश्चन है। हेयर द सेंटेंस द प्रिंसिपल विल कॉल मी टुमोरो व्हेन आई शैल हैव ए टॉक विद हिम इज एन एग्जांपल ऑफ। कैसा सेंटेंस है ये? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, या मिक्स्ड सेंटेंस है? द प्रिंसिपल विल कॉल मी टुमोरो व्हेन आई शैल हैव ए टॉक विद हिम, तो ये कैसा सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। इट इज टू हॉट, व्हाट विल बी द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ After removing two from it, अगर two को हटा दे तो क्या लगा सकते हैं, मतलब correct transformation क्या होगी? It may be hot very much, it is very hot, it is extremely hot, it was not beyond the proper limit. तो it is too hot, क्या हो सकते हैं इसकी जगह पे सही? It is extremely hot, ठीक है। Next है, I have never seen so beautiful building as the Taj. Correct transformation बतानी है इसमें भी, ऑफ दिस सेंटेंस इन सुपरलेटिव फॉर्म, सुपरलेटिव फॉर्म में बताना है, तो क्या हो जाएगा यहां पे सही? द ताज इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग दैट आई हैव एवर सीन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगला है, व्हाइल शी डैश इन द गार्डन इट बिगेन टू ड्रिजल,
वॉटर्ड, हैज वॉटर्ड, वॉज वॉटरिंग या हैड वॉटर, क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट? वाइल शी वॉज वॉटरिंग इन द गार्डन, शी वॉज वॉटरिंग इन द गार्डन, इट बिगिन टू ड्रिजल, ठीक है. आई डैश ए कॉट बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड टूडे. आई वियर्स, वियर, आई एम वियरिंग या आई हैव वॉर्न. टूडे आया यहाँ पे, क्या आएगा? आई एम वियरिंग ए कॉट बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड टूडे, ठीक है. अगला है एरर फाइंड आउट करनी इसमें हमें. वेन एवर ही इज कमिंग हेयर ही ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर मी, या नो एरर, सिनोनिम ऑफ, ओके ये अलग है, सॉरी अलग है ये क्वेश्चन, सिर्फ ये है क्वेश्चन. वेन एवर इज कमिंग हेयर ही ब्रिंग्स मैनी गिफ्ट्स फॉर मी, नो एरर. 96, सॉरी सिर्फ ये वाला ही क्वेश्चन है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी एरर है. तो राइट आंसर हो जाएगा वेन एवर ही इज कमिंग. एरर किस में है? इसमें है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखिए. सिनोनिम ऑफ नेवरी, स्टुपिडिटी, डिसऑनेस्टी, कावर्डी, हीरोइज्म. तो नेवरी क्या होता है? धूर्तता, ठीक है, दुष्टता कह लीजिए. तो यहां पे हो जाएगा, यहां पे जो राइट आंसर होगा इसमें, तो डिसऑनेस्टी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है. अगला सिनोनिम ऑफ जिनित, जिनित क्या होता है? शिखर, ठीक है. तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीक. अगला है फिलाएंथ्रोपिस्ट, फिलाएंथ्रोपिस्ट परोपकारी, तो इसका जो है अपोजिट क्या हो जाएगा? मिसएंथ्रोपिस्ट, ठीक. चलिए अगला देखते हैं. स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन की कुशल इकाइयों के रूप में असफल होने का मुख्य कारण क्या है? गंदी बस्तियों की बढ़ता नगरीकरण, अपर्याप्त धन या कानून व्यवस्था की समस्या. तो प्रशासन की कुशल इकाइयों के रूप में असफल होने का कारण क्या है इसके पीछे? तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे वो होगा अपर्याप्त धन, ठीक है, अपर्याप्त धन. नेक्स्ट है स्थानीय स्वशासन मुख्यतः किसके लिए है? स्थानीय स्वशासन बताना है किसके लिए है. संकुचित भावनाओं की पूर्ति के लिए, अत्यधिक व्यय के लिए, शक्ति के विकेंद्रीकरण या अकुशलता के लिए. तो स्थानीय स्वशासन किसके लिए है? शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए है, ठीक. कौन सा गुण स्थानीय सरकार से संबंधित नहीं है? बताना है वैधानिक स्तर, सामान्य उद्देश्य, संप्रभुता या वित्त एकत्र करने की शक्ति. तो जो स्थानीय सरकार से संबंधित नहीं है वो क्या है? संप्रभुता. बाकी तीनों संबंधित हैं, ठीक है. अगला है 2 अक्टूबर 1959 को देश में सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था? कोटा, बाग, बीकानेर, नागौर या जयपुर. तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था राजस्थान के नागौर जिले से, ठीक है. पंचायतों के समस्त चुनाव हेतु मतदाता सूची तैयार करनी हेतु एक निर्वाचन आयोग होगा जो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, ठीक है. संपूर्ण देश में नगर निकाय का कार्यकाल कितने वर्ष जो है निर्धारित किया गया है? 4, 5 या 6 वर्ष. तो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है. राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर नगर निगम की स्थापना कब की गई थी? 91, 92, 93 या 94. तो सबसे पहले जयपुर नगर निगम की स्थापना जो थी ये की गई थी 1992 में, ठीक है. ग्राम पंचायत का सरपंच अपना त्याग पत्र लिखित एवं हस्ताक्षरित रूप में किसको प्रस्तुत करता है? उप सरपंच को, विकास अधिकारी को, पंचायत समिति के प्रधान को या जिला प्रमुख को. तो त्याग पत्र ये किसको प्रस्तुत करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकास अधिकारी को, ठीक है. उप प्रधान अपना त्याग पत्र प्रधान को देता है, जबकि प्रधान अपना त्याग पत्र किसको देता है?
उपप्रधान को, जिला प्रमुख को, विकास अधिकारी को या खंडायुक्त को? तो किसको देता है? जिला प्रमुख को। ठीक है, जिला प्रमुख। अगला है, पंचायत समिति द्वारा प्रत्येक माह में कम से कम कितनी बार बैठक आयोजित करना अनिवार्य है? 0, 1, 2, 3। तो प्रत्येक माह में एक बार बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, ऑप्शंस नहीं रखे हैं, सिंपल हम क्वेश्चन करेंगे। इसमें आप ऑप्शन डाल भी सकते हैं, लाइक पाई बाय 2 लिख लीजिए, पाई बाय 6 हो गया, इसके अलावा पाई बाय 3। ठीक है, ये तीन ऑप्शन जो है आप रख लीजिए। इनमें से हमें जो है प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है साइन इनवर्स -1/2 की। तो देखिए, साइन इनवर्स -1/2 हम अगर वैल्यू देखें, सॉरी सिर्फ 1/2 अभी अगर हम वैल्यू देखते हैं, तो ये किसकी वैल्यू होती है? तो इनमें माइनस और लगा लीजिए, ये चीज़ याद रखिए। चलिए, 1/2 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। पाई बाई 6 यानी कि साइन 30 की वैल्यू होती है, पाई की वैल्यू 180, 6 थ्री ज़ा और ये 6 3 18 0, तो पाई बाई 6 30 की वैल्यू होती है 1/2। ओके, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 6, साइन इनवर्स बाहर रहेगा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, राइट आंसर पाई बाई 6। माइनस को हम पहले ही बाहर लेके आ चुके, तो माइनस पाई बाई 6 जो है इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इफ द मैट्रिक्स दिस, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स, और किन में से कौन कौन सा एलिमेंट क्या है। सबसे पहले क्या रहा है कि इसकी ऑर्डर बताइए मैट्रिक्स की। तो आप यहाँ देखेंगे तो कितनी रो हैं, 1, 2, 3 रोज हैं। तो सबसे पहले रोज दिखते हैं, फिर मल्टीप्लाईज 3 रोज, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, 3 × 4 का ऑर्डर है, जिसमें 3 रो हैं, 4 कॉलम हैं। आगे कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, रो इंटू कॉलम को मल्टीप्लाई करना होता है। तो 12 एलिमेंट्स जो हैं आप इसमें बता सकते हैं, या फिर वैसे भी काउंट कर सकते हैं। फिर कह रहा है राइट द एलिमेंट A13, A13 यानी कि जो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में हो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कौन सा है, 19 है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि 21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35 हो जाएगा। फिर है थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। ठीक है, फिर है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम क्या है, 12 वैल्यू हो जाएगी। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी कि 5/2 वैल्यू। तो इस तरीके से इसको निकालना होता है, सिंपल है बिल्कुल। ठीक है, चलिए अगला देखिए, इसमें भी हर एक को फाइंड आउट करना है हमें। सबसे पहले है ए प्लस बी को फाइंड आउट कीजिए, ए बी दिया है, ए प्लस बी निकालना है। सिंपल क्या करना है, जो जिस पोजीशन पे हो उसको उसके साथ ऐड कर दीजिए, तो 2+1 हो जाएगा, 4+3 हो जाएगा, 3-2 हो जाएगा और 2+5 हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, 7, 1, 7। ये a प्लस बी की वैल्यू निकाल ली हमने। सेम a माइनस बी में होगा, इस बार क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कह रहा है 3a-6। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर दो a के हर एक एलिमेंट से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6। और उसके बाद इसमें माइनस कर दीजिए, जो सी की वैल्यू है उनको माइनस करना है। ठीक है, फर्स्ट को फर्स्ट वाले से, सेकंड रो को, सॉरी जो सेकंड कॉलम में है उसको सेकंड कॉलम से, इसको इससे। ठीक, सेम वही ए बी निकालना है अब हमें। तो ए बी में क्या होता है, ए बी देखिए किस तरीके से निकलेगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, ए बी या और बी ए। ठीक है, सिर्फ एक बार अगर आपने मल्टीप्लाई सीख लिया तो आप बी ए भी जो है जरूर निकाल सकते हैं। देखिए 2, 4, 3, 2 ये a है, इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, b से। ठीक है, 1, 3, -2 और 5। सिंपल इसमें क्या कीजिए, आप ऊपर निशान लगा लीजिए कि इसके हर एक रो को इसके कॉलम के साथ डिवाइड करना है, एक अंदर से इस तरीके से एरो का साइन लगा लीजिए। तो देखिए a b किस तरीके से निकलेगा। ठीक है, मैट्रिक्स बनाते हैं, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे कौन सा है, 2 है। 2 को हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 के साथ, जो फर्स्ट कॉलम है, रो को कॉलम के साथ करना है।
जो रो का फर्स्ट एलिमेंट है उसको कॉलम के दोनों एलिमेंट से करेंगे, चाहे जितने भी एलिमेंट हो कॉलम में उस सभी से। 2 1 आ गया, देन प्लस लगाएंगे, फिर इसी 2 को इस -2 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये सॉरी एक मिनट, पहले इसको करेंगे 4 को -2 के साथ, ठीक है। प्लस जो होगा ना 4 -2 इस तरीके से होगा, ओके। अभी इस लाइन को इस वाले कॉलम के साथ करेंगे तो ये दूसरा इधर बनेगा। 2 को हम पहले 3 से करते हैं, देन 4 को हम करते हैं 5 से, ठीक है, बन गया। अब देखिए सेकंड रो लेते हैं, 3 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद प्लस। सेकंड रो में जो है क्या है, 2 है, तो 2 को -2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी लाइन को हम अब सेकंड वाले कॉलम्स के साथ कर रहे हैं, तो 3 प्लस 2 × 5, ठीक है, सिंपल इस तरीके से। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, 2 हो जाएगा ये -8 हो जाएगा। इधर आप देखेंगे तो 6 प्लस 20 हो जाएगा, ये 9 प्लस 10 हो रहा है, और 3 -4 हो रहा है। तो सिंपल अब इसको प्लस माइनस करना है और निकल जाएगा यहाँ से, 8 में से 2 जाएंगे 6, -6 इधर 26, ये 19 और ये -1, तो ये ए भी निकल गया। सेम इसी तरीके से आप बी ए निकाल सकते हैं। इस बार बी ए करना है तो ये 1 3 जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 3 2 5, और ए की जगह ये आ जाएगा 2 4 3 2। इस बार भी यही, ऊपर फर्स्ट वाले पे रो का साइन लगाना है और दूसरे वाले पे कॉलम का साइन, और इसी तरीके से हम इसको कर देंगे। तो बी ए को जो है आप खुद सोल्व करके देखिएगा। इसी तरीके से बी ए का मैं आपको आंसर बता देती हूँ कि क्या निकलेगा, ठीक है। सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा 11 11 10 और 2। तो इसको एक बार आप खुद से करके देखिए, अच्छे से आप समझ पाएंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो है HSC जरूर पूछेगा, और पहले पूछे भी गए हैं ये मल्टीप्लाई वाले, ओके, क्योंकि यही कंफ्यूजन पैदा करते हैं। प्लस और माइनस तो सिंपल है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मल्टीप्लाई वाले जो है थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, कंफ्यूजिंग होते हैं। तो इनको एक बार अपने आप से कीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, चेक कर लीजिएगा कि सही निकला या नहीं। चलिए अगला देखते हैं। डिटर्मिनेंट दिया है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि किसके इक्वल जो है आ जाएगी। तो वही देखिए, इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। पहले ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -36, ठीक है, इक्वल टू। अब हम सेकंड डिटरमिन को सोल्व करते हैं, ये हो जाएगा देखिए 6 6 36 और -36, ठीक है। ये बचा एक्स स्क्वायर -36 इक्वल टू 36 36 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। अगर ऑप्शन में प्लस माइनस 6 दिया है तो प्लस माइनस 6 हो जाएगी, अदरवाइज 6 तो रहेगी ही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड कीजिए ए वैक्टर इन टू बी वैक्टर इफ ए वैक्टर इज दिस एंड बी वैक्टर इज दिस। तो देखिए ए, अब हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है दोनों के बीच में। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, देखिए इसको निकालते हम आई जे के, ठीक है, आई जे के वैक्टर ऊपर लिखते हैं और आगे इनके सबसे पहले आई का देखते हैं, ए में क्या क्या दिया गया है, 1 -7 और 7 है, ठीक है, 1 -7 और 7। नेक्स्ट बी में अगर हम देखेंगे तो 3 -2 और 2 दिया गया है, ठीक है। अब जो है इसको हम फर्स्ट रो के उसमें जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा मैंने आई, आई जिसमें है उस रो और कॉलम को क्या कर देंगे, कट और उनको मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 7 × 14 -14 + 14, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन आएगा और यहाँ पे -2 भी है तो 14 हो जाएगा। देन -j होता है, j वाले रो कॉलम को डिलीट किया तो ये 2 × 1 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। प्लस k है, k वेक्टर है, k वेक्टर जिस रो कॉलम में उसको कट कीजिए, ये हो जाएगा -2 और +21, ठीक है। तो अब इसको जो है सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा यहाँ से 14 से 14 वैसे ही कैंसिल हो रहा है, तो 21 में से 2 गए 19, तो ये 19j हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये ओके प्लस 19k हो जाएगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये अंदर का निकला है, मैग्नीट्यूड अभी भी इसका रहता है, तो निकालते हैं मॉडुलस को सोल्व करते हैं। 19i + 19k किस तरीके से सोल्व हो जाएगा, ये 19 का स्केयर प्लस 19 का होल स्केयर, ठीक है। तो इसको जो है कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 19 का स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से स्केयर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे पास 19√2 जो है यहाँ से राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए,
तो आगे देखिए पांच क्वेश्चन जो है साइंस से रिलेटेड देख लेते हैं। विच वन इज इनकरेक्ट, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम, फ्रूट ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड ड्रूप, अनियन बिलोंग टू फैमिली लिलियस, या नोट्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम। तो इनमें से हमें इनकरेक्ट बताना है कि इनकरेक्ट कौन सा है इनमें से। तो देखिए नोट्स आर प्रेजेंट ऑन स्टेम, बिल्कुल सही है। ऑनियन बिलोंग्स टू फैमिली लिलियस, फ्रूट ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड ड्रूप। तो जो यहाँ पे सही नहीं है वो है फ्लावर इज ए मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इनमें से किसे जो है एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम जो है कहा जाता है। स्पाइरोगायरा, ब्रायोफाइटा, टैरिडोफाइटा या सभी। एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को क्यों कहा जाता है, बिकॉज दीज प्लांट्स लिव इन सॉयल बट दे नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसी कारण जो इसे एम्फीबियन ऑफ पादप किंगडम कहा जाता है, ठीक है, प्लांट किंगडम का। आगे देखिए, द प्रोटीन पार्ट ऑफ एन एंजाइम इज, एंजाइम का जो प्रोटीन वाला भाग होता है उसे क्या कहते हैं, प्रो एंजाइम, को एंजाइम, एपो एंजाइम या इनमें से कोई नहीं। तो एंजाइम के प्रोटीन वाले भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम जो है इसे कहा जाता है, ठीक है, एपो एंजाइम। अगला है द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, इनमें से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहते हैं, मेंडल को, बैंथम को, हुकर को या लिनियस को। तो देखिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोला जाता है कार्ल लिनियस को, इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, कार्ल लिनियस या कार्लस लिनियस, ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो डी ऑप्शन। अगला है द हैंगिंग रूट फ्रॉम द बनियन ट्री इज कॉल्ड, न्यूमेटोफोर, स्टिल रूट, स्टिल रूट, प्रॉप रूट या बल्टर रूट। तो जो बरगद के पेड़ से जो लटकी होती है मोटी जड़े, उनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है उन्हें, उन्हें कहा जाता है प्रॉप रूट, यानी कि स्तंभ जड़ के नाम से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो ये था मॉक टेस्ट नंबर 10। अपने अपना स्कोर जो है आप चेक कर लीजिएगा कि कितने क्वेश्चन जो हैं आप इनमें से सही कर पाए हैं या कितने क्वेश्चन जो हैं आपके गलत हुए हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच।